नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया Study24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी मेरे पास बहुत सारे साथियों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, और मुझे पता नहीं क्या हो गया, एकदम लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं डर गया। मैंने कहा यार क्या ऐसी क्या घटना हो गई। तो अभी पता चला जो कि DSSB की तरफ से एक नोटिस आया था, और जब भी कोई नोटिस आता है तो बच्चों में एक हलचल सी मच जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो अभी इसी इस नोटिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 9,438 वैकेंसीज का जिक्र हो रहा है। अब बच्चे परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए कि सर ये वैकेंसीज आ गई, क्या आई हैं क्या नहीं आई हैं, ऐसे करके बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए। इसके बाद मैंने ये पढ़ा तो देखो साथियों, इसमें मुझे कुछ लगाने की वैकेंसीज आई हैं, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ। फिर इसके बाद तो मैंने एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर, उनकी एक वीडियो देखी, और उसमें भी उन्होंने बता रखा कि 9,438 वैकेंसीज आ चुकी हैं DSSB के अंदर। तो इसके बाद मैंने अशोक अग्रवाल सर से बात करी, मैंने कहा यार मेरी तो समझ में ऐसा कुछ आ नहीं रहा कि वैकेंसीज आ गई हैं। फिर मैंने अशोक अग्रवाल सर से बात करी, सर से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसीज नहीं आई हैं। ये क्या है कि पुरानी कुछ वैकेंसीज थी जो पहले टीचर्स पढ़ा रहे थे, उनको क्या है परमानेंट स्टेटस प्रोवाइड किया गया, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, फॉर ग्रांटिंग परमानेंट स्टेटस फॉर द फॉलोइंग 9,438 जो ये वैकेंसीज हैं, इनको क्या है परमानेंट स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये मतलब परमानेंट की गई है। अब बहुत सारे साथियों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये परमानेंट हो गए तो फिर वैकेंसीज कैसे आएंगे इतनी सारी। साथियों, ये पहले से ही पढ़ा रहे हैं, इनका ऐसा नहीं कि मतलब अभी कोई नए परमानेंट हुए हैं, ये पहले से ही पढ़ा रहे हैं, ये टीचर्स हैं पहले से ही, तो इनको लगा के भी वैकेंसीज खाली रहती हैं। ठीक है, और इनको लगा के ही वो परमानेंट किया गया है। तो अभी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब वैकेंसीज नहीं आएंगी, वो वैकेंसीज भी अप्रूव हो ही पड़ी हैं, और वो भी किसी भी दिन एडवर्टाइज हो सकती है। तो DSSB में पेंडिंग वर्क था जो DSSB ने किया है। अब वो अगर हम इसकी बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसीज, हो सकता है कि उनके पास कोई और नोटिस आया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन अगर हम इस नोटिस की बात करें तो इसमें अगर आपके पास ये नोटिस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देखो वैकेंसीज अभी आई नहीं है, वैकेंसीज आने वाली हैं, वो आएंगी। DSSB ने पेंडिंग वर्क किया है, और इससे यही साबित होता है कि DSSB अपना जो वर्क है वो कर रहा है और वैकेंसीज निकालने वाला है। अब हम बात करें, आप लोग प्रिपरेशन, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले, बहुत सारे लोग आपको लाखों रुपए आपसे ले रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ₹5 per day के हिसाब से, क्योंकि हम लोग ना ऐसा काम नहीं करते, लूटने वूटने वाला काम नहीं करते। ₹5 per day के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइको, EVS, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। हालांकि एक दो दिन से मेरी थोड़ी हेल्थ तो डाउन हो रहा है, इस वजह से मैं हालांकि वीडियो भी नहीं बना रहा, मैं एक दो दिन से अच्छे से, कल बनाई थी दिन में, अभी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, तो हेल्थ थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे नहीं पाया, लेकिन अभी मजबूरी हो गई एक बार एकदम आपको बताना। तो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे जिसमें डेली हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइको, EVS, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, और आपको क्विज भी कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे। तो ₹5 per day के हिसाब से, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं यार। और डेली करंट अफेयर्स वगैरह भी मिलेंगे आपको, और हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ₹5 per day के हिसाब से। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर कोई न्यू नोटिस होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।